अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इलियास शेख आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ILU एंटरटेनमेंट पर। और जिस भाई ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन दबा ले ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे। और जिस भाई को भी शूट करवाना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया, उससे कॉल और मैसेज कर सकता है। चलिए वीडियो कंटिन्यू करते। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम हैं अंबरनाथ में। सर आपका नाम? राजू शिर्के। राजू शिर्के, महालक्ष्मी नगर खदान रोड अंबरनाथ ईस्ट। और आपके फार्म का नाम? कोकन एग्रो गोट फार्म। कोकन एग्रो गोट फार्म अंबरनाथ। तो सर ये अपना फार्म कब से है सर? ये 3.5 साल हो गए। 3.5 साल से जो है आप काम कर रहे हो, तो कौन कौन सी ब्रीड्स में काम कर रहे हो सर? अपन पंजाब में बिटल में काम कर रहे हैं, और बरबरी में, और पतीरा और सोजत, और जो भी लोकल नस्ल है यहाँ पे बिटा में काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत सारी नस्लों में आप काम कर रहे हैं, और जो है 3.5 साल से कंटिन्यू काम चल रहा है। तो अपना फार्म पे एक्चुअल वर्क क्या है? ब्रीडिंग सेटअप है? ब्रीडिंग सेटअप है। ओके। और हम मीट का भी थोड़ा काम करते हैं, लेकिन ब्रीडिंग सेटअप जैसे अभी भी हमारे फार्म पे कम से कम 50 बच्चे हैं बेचने के। 50 बच्चे हैं अभी फिलहाल। और जो है आप ईद के टाइम भी करते हो, ठीक है, आप पलाई भी करते हो? हाँ, पलाई भी करेंगे। अभी पलाई बीच में बंद किए थे, थोड़ा ही कोरोना के चक्कर में बंद किए थे, लेकिन अभी पलाई वापिस चालू करने वाले हैं। पलाई वापिस शुरू करोगे? हाँ। ठीक। तो सर अपनी पलाई चार्जेस क्या है? पलाई चार्जेस छोटे जानवर का 2000 लेंगे, और खसी जानवर देख के 2.5 हजार, और आंडूल रहेगा और एग्रेसिव जानवर रहेगा तो मतलब 3-3.5 हजार भी हो सकते हैं, उसको संभालना पड़ता है। ठीक। और जो है ज़्यादातर जो काम है जो ब्रीडिंग सेटअप का है। और चलिए फार्म टूर कराते हैं लोगों को और दिखाते हैं आपके फार्म में क्या क्या ब्रीड्स अवेलेबल है। और फार्म सर ये कितना मतलब स्पेस में अवेलेबल है? ये 1 एकड़ में, और हमारे पास में पूरा बकरों को दोनों टाइम भी हरा भी चारा दिया जाता है। अच्छा। सब यहाँ पे मतलब खाने के साथ में जो मतलब भीड़ के साथ में हरा चारा भी रोज का दिया जाता है। रोज का दिया जाता है, ठीक है। और 1 एकड़ में फार्म है। और अपना शेड कितने इसमें रहेगा? शेड अपने पास में 3 शेड है। तीन शेड? हाँ, टोटल अभी अपने पास में 100 जानवर है, वैसा 200 जानवर का कैपेसिटी है अपना। बहुत अच्छा। तो चलते हैं और फार्म का टूर कराते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपकी पूरी सीरीज आएगी जो सेलिंग के जानवर है। और आपके पास फिलहाल कितने जानवर सेल के लिए है? सेल के लिए वैसा तो हम लोग अभी पूरा ही निकालेंगे। अच्छा। जो भी 2-4, 4-5 जानवर पलाई में और रख के बाकी सब निकालने का कोई ऐसा ये नहीं है। ठीक है। तो एक बार हम कुछ क्वांटिटी ऐसा रहेगा क्या? 70-80 पकड़ के सब 110 है। 110 जानवर जो है फिलहाल आपको जो है सेल करना है। ठीक है। तो चलते हैं फार्म का टूर कराते हैं सर, और आप बताइए लोग आपका फार्म जानेंगे और लोगों तक पहुंचेगा कि एक फार्म कैसा काम करना चाहिए, ब्रीडिंग सेटअप, और कैसा आपने स्टार्ट किया एक जर्नी भी आप उनको बता देना। ठीक है सर, चलिए। हाँ सर बोलिए ना। यहाँ पे ये सब हरा चारा लगा दिए रहे, नेपियर है। अच्छा। में सब पूरा फार्म में सुबाबुल लगा दिए रहे, और भी हम लोग लोकल यहाँ पे जो पेड़ है उनका भी पत्ता ला के डाल देते, वड़ का, बाद में गुलेर का, और भी बेर का पत्ता जो मिलता है रोज का, इसके साथ में मिक्स 4-5 जात के ऐसे पत्ते डाल देते हैं। बहुत अच्छा। जानवर लोग रोज का जानवरों को हरा फीड जो है कोकन एग्रो गोट फार्म पे मिलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और शेड बताएंगे और पूरा टूर कराएंगे फार्म का। आप लोग देखिए क्या क्या क्वालिटी में कोकन एग्रो गोट फार्म काम कर रहा है, और आपको कौन कौन सी नस्लें यहाँ देखने मिलेगी। और ऑलमोस्ट ये जो है इनका पूरा फार्म, इनको अभी फिलहाल जो है सेल करना है। कुछ जानवर इनके पलाई पे लेंगे ये बाद में, और सेलिंग के लिए ज़्यादा जानवर है। तो हमारे साथ राजू सर है, और सर चलते हैं अंदर, लोगों को बताइए आपका कोकन एग्रो गोट फार्म पे। देखिए बीटल, तो ये केज में पूरे बीटल्स की फीमेल है? हाँ, बीटल्स की फीमेल है। अच्छा, बहुत अच्छा। और उसके आगे मतलब ये पूरा बीटल ही है। ओके। तो ये ज़्यादातर जो है यहाँ बीटल की जो है फीमेल्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्वालिटी। और उसके लास्ट में जो है ये केज है, लास्ट में ये भी बीटल में है। ये मेल है क्या सब? ये मेल है। ओके। ये ब्रीडर है आपका? ये आपका जो है हैदराबादी पंजाबी ब्रीडर है, और हैदराबादी ऊपर है। ठीक है। तो सर ये साइड ये सब बर्बरी, और इसके अंदर 3 बच्चे पतीरा के हैं। ओके। तो ये बर्बरी का सेटअप है, इसमें आपको कुछ पतीरा के भी बच्चे मिलेंगे। बहुत अच्छा। तो ये सारे जानवर सर आपके पास इधर ही पैदा हुए हैं? कुछ लाए, कुछ यहाँ पे पैदा हुए। ओके। ज्यादा करके यहाँ पे ही पैदा हुए। बहुत अच्छा।
तो ये है कोकन एग्रो गोट फार्म जो अंबरनाथ में है। आप देख सकते हैं ये साइड भी जो है फीमेल है पंजाबी नस्ल की, और चलते सर ऊपर का शेड भी बताते लोगों को, और लोग जानना चाहेंगे कि आप जो है क्या क्या लोगों को सहूलत पहुंचाते हैं। तो सर ये नीचे साइड भी कुछ फीमेल्स हैं यहाँ उसके बच्चों के साथ। अच्छा यहाँ मेंढे है, ठीक है। ये क्या बोलते हैं तो ये हॉन्टल नस्ल बोल रहे हैं आप, ठीक है। तो देखिए शेड का कैसा इस्तेमाल किए सर ने, और सीढ़ी के नीचे जो है ये मेंढे है। चलिए आगे चलते हैं। और ये ऊपर वाला शेड है, और शेड में क्या क्या है हम आपको बताएंगे, तो लास्ट तक का देखते रहिए। ये 5-6-10-12 दिन के बच्चे हैं, और इनको अलग रखते हैं यहाँ, ठीक है। बहुत अच्छा, तो देख सकते हैं क्या क्वालिटी का प्रोडक्शन हो रहा है कोकन एग्रो गोल्ड फार्म पे, जो अंबरनाथ में जो इनका लोकेशन है। और देख सकते हैं यहाँ, ठीक है। ये सर कौन सी नस्ल में काम है? सोजत में है, ये हैदराबादी में है। हैदराबादी, ठीक। और एक्सक्लूसिव बकरी है जो स्पेशल, ये पतिरा में भी है और वो हैदराबादी मेल है हमारा। अच्छा, तो ये हैदराबादी ब्रीडर है सर का, और उसके बच्चे आए हुए। ये बच्चे जो है ऑलमोस्ट इसके ही है सारे, ठीक है। बहुत अच्छा, तो यहाँ आपको जो है हर जगह बच्चे ही बच्चे नजर आएंगे, बिकॉज ये प्योर ब्रीडिंग सेटअप है कोकन एग्रो गोट फार्म का। देख सकते हैं क्वालिटी ज़्यादातर हैदराबादी ब्रीडर के रिजल्ट है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो सर ये पूरा बच्चों का सेशन है ना, वो तो मिस कर दिया हमने। ठीक है, ये 4-5 महीने के, 6 महीने के, ऐसे 3 महीने से ऊपर ही है सब। तो ये सब 3 महीने के ऊपर के बच्चे, तो ये बच्चे भी है फॉर सेल रहेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये पूरा जो है पतीरा फीमेल्स का सेशन है, तो देख सकते हैं आप क्वालिटी देखिए फीमेल्स की, और ज़बरदस्त क्वालिटी में फीमेल्स है, और ये फॉर सेल रहने वाली है भाई कोकन एग्रो गोट फार्म पे। आज तक का वीडियो देखिए, मज़ा आने वाला है। ये देखिए ये मेल सेशन, ठीक है। तो इसमें से आपके कुछ ब्रीडर्स बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। 3 अंडू है इसके अंदर। अच्छा, और 3 खस्सी किए हुए। 3 खस्सी किए, और नीचे भी 3 खस्सी किए हुए, ठीक है। तो ये एक सर, ये ब्रीडर, ये पंजाबी है ब्रीडर के लिए। नहीं, ब्रीडर नहीं, ये सेलिंग के लिए। अच्छा, सेलिंग के लिए, ठीक है। ये वो है और पंजाबी ब्रीडर में। बहुत अच्छा, बड़े एक्सक्लूसिव बकरी है ये सब जो है, बड़ी लेंथ की, बड़ी फ्रेम की बकरियां है। हाईपैड में है, हाईपैड में और पतीरा में, पतीरा में भी है, ठीक है। और ये हमारे फार्म की शान है, इसको तो हम लोग बेचना मतलब देना नहीं है। अच्छा, ये तो इसको तो पूरा वीडियो निकालते तो पूरा स्टेट से 5-6 स्टेट से लोग पब्लिक हैरान करते हैं, ये हमको चाहिए करके। अच्छा, ये अभी तो सर ये नॉट फॉर सेल है। और ये अपने पास कब से है सर? ये मेरे पास में अभी 1.5 साल हो गया, मेरे घर का बच्चा है, ये घर से पैदा, इधर ही पैदा हुआ है। जबरदस्त ले रहा सिंह। तो ये 6 दांत का है, 6 दांत का, इसके बच्चे रहेंगे जो फॉर सेल बच्चे है। अभी उससे बकरिया इसे सेल हो गई, ओके। बच्चे भी बहुत से उसके सेल हो गए, अभी बकरिया गाभन है, और अभी हम लोग इसके लिए सब बर्बरी का बकरी लाने वाले हैं, लाने वाले हैं, और इसके लिए मतलब बच्चे इस ताकि इसका जो है ब्रीडिंग सेटअप बने, और लोग जो मांग रहे उस वो उसके हम उसके बच्चे प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। हैदराबादी और पतीरा में है, तो ये सूरत में बकरिया है, और ये पतीरा में है। तो इसमें जो है हैदराबादी भी मिलेगी आपको, सोजत भी मिलेगी, पतीरा भी मिलेगी, ठीक है सर। तो ये क्या दे रहे हैं? ये लिवर टॉनिक और कैल्शियम। अच्छा, तो एक एक को पर्सनली जा के, पर्सनली जैसा बकरी अभी दे देते, ठीक है। देख सकते हैं आप कैसे केयर होता है एक ब्रीडिंग सेटअप का, ताकि ब्रीडिंग सेटअप ग्रो करे, और जो है आप लोगों तक जो है इसका जो है रिजल्ट, और जो है बकरा ईद तक जो है बकरे तैयार हो, ताकि आप जो है कुर्बानी करें और शौक करें। तो सर आपका जो ब्रीडिंग सेटअप है, तो लोग पहले से ही बुकिंग करते रहेंगे क्या? पहले से बुकिंग करते हैं। यहाँ पे कोकन एग्रो गोट फार्म बच्चों के लिए मतलब पंजाबी और इसके लिए बहुत है, बच्चे कुछ इधर रहते नहीं है। अच्छा, मतलब पहले ही सेल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, बिकॉज वैक्सीनेशन ये वो सब किए हुए बच्चे रहते, लोग लेके जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है आपके पास जो चीज फॉर सेल रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आप दिखा दोगे, और जो पहले से सेल हो जाते बच्चे
तो आप मतलब कब फौरन दे देते हो क्या तीन महीना रख के? तीन महीने रख के देते हैं, मतलब दूध खाना पीना मतलब उनको स्टार्ट हो जाए, एक बार खाने लगेंगे पत्ता और खाना खाने लगेंगे तो हम लोग दे देते हैं। ठीक है, दो महीने में लेके जाता है, कोई डेढ़ महीने में, कोई तीन महीने में, ऐसा लेके जाते हैं। बहुत अच्छा सर। तो सर चलते सर थोड़ी बातें करते, लोगों को फार्म के बारे में और नॉलेज देंगे, ताकि लोग जो है कोकन एग्रो गोट फार्म जो अंबरनाथ में है उससे जो है जुड़ सके और फायदा उठा सके। तो सर लोगों को कुछ कहना चाहोगे, जैसे आप फार्म ब्रीडिंग सेटअप चला रहे हो, तो ये आपको कैसे मतलब शौक जाग गया कि ऐसा करना चाहिए और ये इंडस्ट्री में भी बचपन से शौक था बकरियों का, मेरे को गाय भैंस बकरियों का शौक है, तो इसके लिए मैंने शौक करते करते अभी ये इतना शेड बनाया, सब ये सब किया है और अच्छा। यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के बच्चे हम लोग ने बेचे है कि पूरा तीन साल में लोगों को पूरा महाराष्ट्र स्टेट में मालूम है कि बॉम्बे के ज्यादा आजू बाजू के लोग यहाँ से बच्चे लोग लेके जाते, बच्चे लेके जाते हैं। अभी कोरोना में थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन कम से कम गया साल 100 बच्चे सेल हो गए, अभी 50 बच्चे हमारे पास में बेचने के लिए, अभी 50-1 बच्चे ज्यादा हो जाएंगे। बहुत अच्छा। तो ये शौक सर को पहले से, तो सर बकरा ईद में भी लोगों को चीजें देते हैं, भी अच्छे क्वालिटी के बकरे लेके आते हैं फिर बेचते। बहुत अच्छा सर। तो सर आपसे लोग जुड़ेंगे और जो है लोगों को अच्छी चीज़ें सीखने मिलेगी। तो सर कुछ कहना है, ये इंडस्ट्री में सर ग्रोइंग हो रही है, आज लोग जुड़ रहे, आ रहे, फार्म्स ओपन हो रहे, तो कुछ कहना है लोगों को? अच्छे क्वालिटी के नस्ल बनाओ, अगर पंजाब में जाना है तो पंजाब का ही प्योर बच्चे बनाओ तो कस्टमर आ जाते हैं, बर्बरी है तो बर्बरी का बनाओ, क्रॉस को इधर इतना ये नहीं है, इसके लिए हम लोग हमारे पास में पंजाब और बर्बरी और पतिरा का ज्यादा करके बच्चे सेल होते, प्योर बनाते हम लोग। तो प्योर में काम का आप कह रहे हैं कि करना है तो प्योर में काम करो और अच्छा काम करो, घर पे बड़े बकरियां कम ले लो लेकिन अच्छा उनको दाना खाना पानी अच्छा खिलाओ तो नुकसान नहीं होता। बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर आपकी वैल्यूएबल मैसेज देने के लोगों को, और लोग आपसे जुड़ेंगे आपका मिलेंगे तो और अच्छा है, आपको अगर उनको रोज का थोड़ा हरा चारा मिलेगा तो और जानवर और बच्चे और तजिलदार बनते हैं, मतलब हरा चारा जरूरी है और उनको दे, जैसे कोकन एग्रो गोट फार्म डेली प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली उनको जो दो टाइम का लगता है वो दो दो किलो के हिसाब से रोज का हरा चारा हम लोग देते हैं बड़े जानवरों को। बहुत अच्छा सर। और आजू बाजू में हमारे फार्म के बाजू में जंगल मतलब कुछ पेड़ होने से हम लोग बाकी भी 4-5 जात का पत्ता उनके साथ में मिक्स करके कटिंग करके उनको खिलाते हैं। बहुत अच्छा सर। तो सर आपके इधर मतलब जैसे आप टेक केयर करते हो तो कितने लोग हैं इधर संभालने के लिए? मेरे पास में इधर 3 लोग है। ओके, तो इतने जानवरों में रोज का रोज सफा किया जाता है फार्म, कोई गंदगी नहीं अंदर, कुछ भी नहीं। सही, बहुत अच्छा। आप अभी फार्म पे अंदर आए थे देखा सब पूरा कुछ भी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन फार्म है और जो है अच्छी क्वालिटी का जो है प्रोडक्ट जो होना चाहिए, एक फार्म होना चाहिए वो जो है कोकन एग्रो गोट फार्म पे मैंने देखा। तो चलते हैं सर, वीडियो क्लोज करता हूँ और आपका नंबर दे दीजिए, लोग आपसे जुड़े। मेरा नंबर है, मेरा मैं पहला एड्रेस बताऊँ? हाँ सर बता। मेरा नाम राजू शिरके है और फार्म का एड्रेस है महालक्ष्मी नगर खदान रोड अंबरनाथ ईस्ट, और मेरा नंबर है व्हाट्सएप का नंबर है 9028240429, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है सर, थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मिनट का बने, तो जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इंशाल्लाह ऐसे ही मजीद इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे और आप लोगों को शौक कराते रहेंगे। तो दुआ में याद रखिए, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए अल्लाह हाफिज।